अगर आप अपने गार्डन के पौधों में हाथ से पानी देते देते थक गए हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा डिवाइस आ जाए जो आपके गार्डन के पौधों में ऑटोमेटिक पानी को चालू और बंद कर दे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस ऑटो वाटर टाइमर के बारे में। ये बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है, इसकी मदद से आप गार्डन में ऑटोमेटिकली पानी दे सकते हैं, आपको हाथ से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटो वाटर टाइमर कैसे काम करता है, किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसकी सेटिंग करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप जो सामने देख रहे हैं ये ऑटो वाटर टाइमर है और ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें किसी भी इलेक्ट्रिक का आपको पॉइंट की रिक्वायर्ड नहीं होगा। पीछे इसमें दो सेल लगते हैं, उन्हें लगा देने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर दीजिए। नीचे आप जो भी आपके गार्डन में ड्रिप सिस्टम लगा है लगा लीजिए, या अलग से आप इसी के साथ ड्रिप किट लेकर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर इसमें टाइम सेट कर दीजिए, जब भी आपको पानी देना है उस टाइम पर ये ऑटोमेटिकली पानी को ऑन कर देगा और जितने मिनट के लिए आपको पानी चलाना है उसके बाद उसे वो बंद कर देगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से इसकी सेटिंग की जाती है और कैसे ये वर्क करता है। तो इस तरह के बॉक्स में मिलेगा आपको ये ऑटोमेटिक वाटर टाइमर, तो इसे मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपको कुछ ये कनेक्टर मिल जाएंगे, एक ये आपको मैनुअल मिल जाएगी जिससे आप जो है पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है। और ये हमारा मेन डिवाइस हमें मिल जाएगा इस तरह का, ये आप देख सकते हैं। और इसमें पीछे की तरफ हमें यहाँ पर जो है सेल लगाने हैं, ये देखिए ये जगह है। और ये वाटरप्रूफ है तो आप इसे आउटडोर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इस तरह से मैं ये बैटरीज निकाल लेता हूँ। इस तरह से हम बैटरी लगा देंगे और इस कैप को, ये जो देख रहे हैं आप, इसे सीधा हमें इस तरह से रखना है और दबा देना है तो ये लॉक हो जाएगा इस तरह से। ये लग गया है, ये देखिए, और यहाँ पर ये डिवाइस हो गया है अब ऑन। तो इस तरह से कुछ ये डिवाइस दिखेगा। तो इसमें जो सेटिंग है वो आपको करनी होगी, टाइम से लेके बाकी सारी चीज़ें, और कैसे सेटिंग करनी है आइए वो समझ लेते हैं। अब देखिए, इस ऑटोमेटिक वाटर टाइमर को इंस्टॉल करने के लिए हमें इस तरह के नल की ज़रूरत होगी। इस नल में आप इस एरिया को यहाँ से खोल लेंगे और फिर हमारा जो ये हिस्सा है ऊपर वाला, इसमें ऑलरेडी देखिए फ़िल्टर के लिए एक जाली भी दी गई है, ये इसको इस तरह से हमें लगा देना है। बहुत ही आसानी से ये आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छे से इसे हम कर देंगे टाइट इस तरह से, ये देखिए। तो ये हिस्सा हमने यहाँ पर लगा दिया है और नीचे जो आप ये देख रहे हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप जो इसी नल का दूसरा वाला पार्ट था इसे लगा देंगे और यहाँ से हम हमारे जो भी ड्रिप की पाइप है उसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर ये वाला हिस्सा लगा दिया है, यहाँ पर आप सीधा पाइप को लगा सकते हैं। अब हमारा मेन काम आता है इसे सेट करना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी हमें सेटिंग किस तरह से करनी है और किस तरह से हम इसमें जो टाइम है वो सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ऑटोमेटिकली इसकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, डिवाइस ऑन है, आपको ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम सेट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे 6 है तो यहाँ पर हम सेट कर देते हैं अभी मान लीजिए 10, और यहाँ पर हमने सेट कर दिया है 10:30। इसके बाद हम जाएंगे, अब आपको यहाँ पर 3 प्रोग्राम मिलेंगे, प्रोग्राम 1 पर हम ओके करेंगे, ये ऑन करेंगे। इसके बाद हमें ये जो टाइम दिखा रहा है कि आपको कितने बजे पानी को ऑन करना है, तो सपोज़ कीजिए हमें अभी 11 बजे पानी देना है तो हम 11 बजे कर देंगे इसको सेट। ज़्यादातर टाइम मैं इसमें इवनिंग का टाइम रखता हूँ, शाम को 6 से 7 बजे और सुबह का 5 बजे के आसपास। फ़िलहाल मैं दिखाने के लिए आपको अभी सेट कर देता हूँ 10:35 का टाइम, ये आप देखिए 32, ये यहाँ पे 32, ओके।
इसके बाद हम कितनी देर के लिए पानी को चलाना चाहते हैं, आप मिनिमम एक मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, और या आपको एक मिनट नहीं करना तो आप कुछ सेकंड के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ। 10 सेकंड के लिए ये पानी हमें ऑन करना है और ओके कर दिया हमने। कितनी देर में देना है तो जैसे 6 घंटे के अंतर से ये 10-10 सेकंड के लिए पानी ऑन कर देगा। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, घंटे से दिन में भी आप इसे मूव कर सकते हैं, जैसे ये 12 घंटे 14 घंटे आप देख रहे हैं, इस तरह से ये आप इसे बढ़ाएंगे तो जैसे ही आप 24 में आएंगे तो ये 24 घंटे के बाद दिन दिखाने लगेगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। तो एक दिन मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। तो ये आपका टाइमर स्टार्ट है। अभी आप देखिए, मैं यहाँ पर एक टब रख देता हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से देख पाएँ, और ये मैंने नल को ऑन कर दिया है, और जैसे ही इसमें आप देखेंगे कि एक मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली पानी को ऑन करेगा, 10 सेकंड के लिए चलाएगा और ऑटोमेटिकली पानी को बंद कर देगा। तो चलिए वेट करते हैं इस एक मिनट का पूरा होने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर एक मिनट दिख रहा है और स्क्रीन ऑफ हो रही है, मैं इसको फिर से ऑन कर देता हूँ। इसने अब देखिए इस तरह से पानी ऑन कर दिया है ऑटोमेटिकली। अब ये 10 सेकंड के बाद इसे ऑफ भी कर देगा, ये देखिए। तो ये 10 सेकंड के बाद हमारा पानी ऑफ हो गया है। आप इसे 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट इस तरह से भी बढ़ा सकते थे। अब ये दोबारा पानी कब ऑन होगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक दिन बाद। जैसे कि हमने यहाँ पर एक दिन सेट किया हुआ था तो एक दिन बाद ये टाइम ऑन करेगा। इसके बाद हमारा जो एक प्रोग्राम 1 अभी हमने सेट किया है, अगर हमें किसी और प्रोग्राम को सेट करना है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस प्रोग्राम को प्रोग्राम 2 में भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कुछ टाइम पे अलग टाइम सेट करना है, जैसे यहाँ तो मुझे 10 सेकंड देना था, लेकिन अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, आपको प्रोग्राम 1 है, नीचे जाना है तो जस्ट आप एरो से नीचे जाएंगे प्रोग्राम 2 में, और यहाँ पर हम इसे ऑफ है, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर हम टाइम सेट कर देंगे, तो ये मैंने लगा दिया टाइम इसको 7:00 PM, और 7 बजे के लिए हम यहाँ सेट करेंगे 19। ये 24 घंटे का फॉर्मेट है, और ओके कर दिया। 7 बजे हमें कितनी देर के लिए देना है, सपोज़ कीजिए हमें 5 मिनट के लिए पानी देना है, कितने देर में देना है, दिन में एक बार, तो यहाँ पर हम हमारा जो दिन है उसको एक कर देंगे, एक कर दिया हमने, और ये अभी हमारा प्रोग्राम सेट हो गया। अभी आप देख रहे हैं, जैसे हमने अभी समय यहाँ पर सेट किया था 10:30, अभी 33 मिनट है, तो 8 घंटे बाद ये जो सेकंड प्रोग्राम है वो ऑन कर देगा पानी। इसी तरह से आप 3 प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, इसको हम ओके कर देते हैं। अब बात करते हैं, इसी तरह से आप सारे प्रोग्राम सेट कर सकते हैं और इसे चला सकते हैं। इसके अलावा इसमें चाइल्ड लॉक दिया गया है, आप इन दोनों बटन को इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये आपका चाइल्ड लॉक हो गया। अब यहाँ पर मैं कोई भी बटन प्रेस करूँगा तो ये कुछ भी इसमें नहीं होने वाला, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अब हमारा पूरा ये सिस्टम सेट है, लेकिन हमें लग रहा है कि अभी पानी देने की ज़रूरत है, तो आप इससे कुछ पानी ऑन कर सकते हैं तुरंत। जैसे ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, अभी इसको हम चलाते हैं 20 सेकंड के लिए। तो ये देखिए, यहाँ से मैं इसको 20 सेकंड सेट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा, इसके लिए आपको ये वाली बटन प्रेस करनी है जिसमें ये नल का सिंबल बना हुआ है, और ये 20 सेकंड के लिए स्टार्ट किया। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे और ये ओके हो जाएगा। इस तरह से हमने स्टार्ट किया है, ओके हम करेंगे तो ये देखिए पानी हमारा चालू है, और अभी ये 10 मिनट के लिए हो गया है, तो हम इसको कर देते हैं बंद। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर प्रेस करना है, अभी ये 10 मिनट है इसलिए इसको मुझे कम करना है, सेकंड में कम करना है ताकि आप बंद होते हुए देख लें। तो ये देखिए 20 सेकंड है, ओके हम करेंगे तो ये चालू हो जाएगा, और 20 सेकंड के लिए पानी। अब ये हो गया मैनुअल टास्क। अगर आपको कभी खुद से पानी देना है या आपको लग रहा है कि अभी पानी की ज़रूरत है, तो आप इस तरह से मैनुअल सेट करके उसमें उन पौधों में पानी दे सकते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं वाटर फ्लो भी बहुत अच्छा है, जो आपका टैप मतलब नल का वाटर फ्लो आएगा वही सेम वाटर फ्लो यहाँ आएगा। ये देखिए इसने
बंद कर दिया है। तो बस इतना ही आपको काम करना है, यही इसकी सेटिंग है। इसके अलावा इसमें और कोई सेटिंग नहीं होती है, बहुत ही इजी। देखिए इस तरह से इसकी अब डिस्प्ले बंद हो गई है, आप इसे छोड़ दीजिए, नल को ऑन रहने दीजिए। इस तरह से जो भी टाइम आपने सेट किया है उस टाइम पर ये पानी को ऑन कर देगा, ऑफ कर देगा। मैं एक साल से इस डिवाइस का यूज कर रहा हूँ मेरे गार्डन में, और मैंने जितने भी मेरे फ्रूट प्लांट हैं वहाँ पर इसी से ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, और मैंने एक साल से उनमें कभी पानी नहीं दिया है, तो ऑटोमेटिकली ही मैं यहाँ पर पानी दे रहा हूँ। तो आप भी इस डिवाइस का इस्तेमाल करें, और ज़्यादातर चीज़ें मैंने बता दी हैं, इसी तरह से इसे इंस्टॉल किया जाता है। ये जो ऑटोमेटिक वाटर टाइमर है ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं, सेम आपको मिलेगा। साथ में इसके साथ अगर आप ड्रिप किट लगाना चाहते हैं तो वह भी आपको सेम वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ड्रिप किट का पूरा सेट ले लीजिए, 30 प्लांट का वो आता है, और एक वाटर टाइमर ले लीजिए और इसे इंस्टॉल कर दीजिए आपके गार्डन में। आपके पौधों को पानी देने की जो भी समस्या थी वो सॉल्व हो गई है। तो ये डिवाइस आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे उसके बारे में भी कमेंट्स करें। खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप इसे खरीदिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।